मैं आपको एक खास चीज दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। पहले इस पानी को देखिए, ये बताइए कि आ कहाँ से रहा है। मुझे 100% यकीन होगा कि आप यही कह रहे होंगे कि यहाँ कोई समरसेबल या मोटर वोटर से पानी आ रहा होगा, मगर गलत। मैं आपको ये सीक्रेट खोलने वाला हूँ। ये पानी आप देख सकते हैं उधर पहाड़ से ऊपर से होता हुआ ये यहाँ बह के आ रहा है, और ये इसके अंदर को जाके ये इस पाइपलाइन के ज़रिए बाहर निकल पा रहा है। आप अगर देख पा रहे होंगे ये इस पाइपलाइन से बाहर निकल के रिवर में जाके मिल रहा है। आप देख सकते हैं हम दुगड्डा टाउन में ही खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये दुगड्डा टाउन ही है। आप कोटद्वार से पूरा 15 किलोमीटर पड़ता है, देहरादून 160 एंड मुरादाबाद 148। हम खड़े हैं मेन चौराहे पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पुलिस चौकी है मेरे पीछे, और यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं फैज़ भाई से कहता हूँ कि यहाँ का टेम्परेचर दिखाएं, तो आप देखिए मेरा अंदाज़ा सही था, यहाँ पूरा 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम। तो अब हम जा रहे हैं दुगड्डा टाउन के अंदर, यहाँ देखने के यहाँ क्या खास है जो कि ये इतना मशहूर है। तो इसके ऊपर भी हम जाएंगे, यहाँ से सिर्फ लैंसडाउन 25 किलोमीटर रह जाता है, तो स्टे ट्यून्ड। आप देख सकते हैं अभी मैं खड़ा हूँ एक ब्रिज पे जो कि दुगड्डा में एंट्री लेने के बाद आपको पड़ता है। ये न्यूली कंस्ट्रक्शन हुआ है शायद इस ब्रिज का। तो अभी मैं खड़ा हूँ दुगड्डे में ही। यहाँ के लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ की दो चीज़ें बहुत फेमस है, एक यहाँ की दुगड्डा मार्केट और यहाँ की लोकेशन, तो वो दोनों ही हम घूमने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूँ जब आप दुगड्डे में एंट्री करेंगे तो ये जो ब्रिज है आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो उसका मेन हाईवे है। फिर उसके आगे ये जो ब्रिज है ये आप आगे जाएंगे तो ठीक लेफ्ट में आप नीचे उतरेंगे वही दुगड्डा मार्केट, वहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और वो दूसरे रोड पे आके ख़त्म होगी और हम वहाँ निकलेंगे। तो चलते हैं आप दुगड्डा मार्केट में, हमारे फैज़ भाई साथ हैं तो हम बाइक से घूमेंगे दुगड्डा मार्केट। तो आइए हमारे साथ, ये हमारे फैज़ भाई साथ में, तो फैज़ भाई बाइक स्टार्ट करो, घूमने चलते हैं अंदर। पीछे हमारी ये मार्केट है तो अंदर चलते हैं।
फाइनली आप देख सकते हैं दुगड्डा मार्केट हमने आपको दिखा दी। तो अभी हमने बाइक यहाँ खड़ी कर दी, दुगड्डा से थोड़ी आगे आ चुके हैं हम, दुगड्डा शहर से निकल ही रहे हैं। ये मेरे पीछे आप लोकेशन देख सकते हैं, कितनी प्यारी लोकेशन है ये, नीचे ग्रीनरी। अभी हम नीचे जाएंगे, आगे जाके एक रास्ता है उसके ज़रिए हम नीचे जाएंगे, आपको पूरा व्यू दिखाएंगे, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये जो गाड़ी आप और बस देख रहे हैं ये लैंसडाउन से आ रही है, क्योंकि लैंसडाउन सिर्फ यहाँ से मात्र 25 किलोमीटर रह जाता है। तो ये जो गाड़ी आ रही है ये लैंसडाउन से आ रही है, और ये जो जा रही है ये लैंसडाउन को जा रही है। तो ये हाँ, हमने आपको दुगड्डा मार्केट दिखाई, आपको दिखाने वाले हैं यहाँ की लोकेशन जो कि हमारे ठीक सामने है। तो चलते हैं वहाँ, हमारे साथ आइए। ये मैंने जैकेट अपनी उतार के यहाँ रख दी, क्योंकि यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है, तो कुछ सुकून मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा ठंड सहने के बाद, तो सुकून मिल रहा है। ये हमारे पास एक कॉम्ब जिससे मैं अपने यहाँ ये हेयर सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोकेशन बहुत अच्छी है, यहाँ फोटोज़ बहुत अच्छे क्लिक होंगे। ये बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी, ये की हमने निकाल ली बाइक की, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की लोकेशन। ये देखिए, तो कुछ ये है दुगड्डा की ब्यूटी। ये जो रिवर जा रही है ये ऊपर से बहती हुई खो रिवर कहते हैं इसे, जो मैंने अपना सिद्धवली ब्लॉग बनाया है उसमें मैंने आपको बताया था कि सिद्धवली मंदिर जो है वो खो रिवर के साइड में बनाया गया है, बिल्कुल साइड में। तो ये वो खो रिवर यहाँ से बहती हुई कोटद्वार तक जा रही है। कुछ ब्यूटी उत्तराखंड की, ये सामने माउंटेन्स की प्यारी लोकेशन है, यहाँ बैठ के दिल लगता है, सुकून मिलता है। नीचे जाने के लिए ये स्टेयर्स हैं और हम नीचे जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं। सकते हैं रिवर के बीच में ही खड़े हैं। ये ऐसा होता है कि जब मानसून आता है तो ये पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ये पूरी रिवर भर जाती है, और जब विंटर सीजन या समर सीजन आता है तो आपके सामने है ही ये सूख जाती है रिवर जिसके ऊपर हम खड़े हैं। बाकी मानसून में ही पूरी रिवर भर जाती है, जो बड़े बड़े छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं। कि पहाड़ों का जो पानी होता है वो रियल शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती और वो ठंडा बहुत होता है। तो आज हाथ डाल के देख ही लेते हैं कि पहाड़ों का पानी होता कैसा है। सच बता रहा हूँ, ये पानी इतना चिल है, ये पानी बहुत ही चिल है। तो यहाँ अब ये हुए हैं रखे होंगे वहाँ उस पार जाने के लिए, क्योंकि उधर खेती हो रही है, ग्रीनरी है। तो फैज़ भाई और मैं साथ जा रहे हैं, तो थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। लगता है हम इस टाइम रिवर के बीच में ही हैं और पानी का यहाँ फ्लो बहुत ज़्यादा है। ये वाटर बहुत ही चिल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है इस पानी में। मन कर रहा है कि बस हाथ ऐसे डाले रहो, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो थोड़ा डर भी लग रहा है कि कहीं मैं ना गिर जाऊं या फोन ना गिर जाए। तो ये मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। हमने कर दी नदी पार, हम वहां से आए थे। ये जो पीछे आप पत्थरों की लाइन देख रहे होंगे इन पे चलते चलते, तो अब हम आ चुके हैं रिवर की दूसरी साइड में। और मेरे पीछे ये सारी ग्रीनरी, ये मेरी फेवरेट है। ये पहाड़ों में जब भी मैं ट्रिप करता हूँ तो ये मेरा ड्रीम होता है कि यहाँ मैं अपने फ़ोटोज़ क्लिक करूं, या घूमूं, या टहलूं, क्योंकि पहाड़ चीज़ ही ऐसे होते हैं कि वहां जाके बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो अब चलते हैं इसके ऊपर यहां की खेती देखने, तो आइए हमारे साथ। तो ये पत्थर आप देख पा रहे होंगे, ये रिवर के पत्थरों से ही यहां बाउंड्री बना दी गई है, क्योंकि पानी कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है। तो ये जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था, इस लोकेशन का, जिसके लिए मैं दुगड्डा आया था पर्सनली, और हमारे फैज़ भाई भी। इनफैक्ट फैज़ भाई ने मुझे ये लोकेशन दिखाई थी कि दुगड्डे में ऐसी लोकेशन भी है, तो मुझे बहुत पसंद आई थी देखने के बाद। और आप भी देखिए कितनी प्यारी लोकेशन है, उस साइड ये रिवर बह रही है, इधर घर, इधर ये ग्रीनरी, ये
रियल नेचर है, इसी से मुझे प्यार है, क्योंकि यहाँ सुकून बहुत मिलता है आने के बाद। अगर यहाँ शोर भी होगा तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। क्यों फैज भाई? और तो यहाँ देख फैज सकते हैं भाई, आपकी गेहूं भी है, ये गेहूं है, ये फैज भाई गेहूं है। यस। तो फैज भाई ने ये अभी बताया हमें कि ये गेहूं की खेती है। ये खेती ऊपर तक है, आप देख पा रहे होंगे वो घर है, उससे नीचे ये खेती खत्म है, और ये सारी जो आप ये फील्ड देख पा रहे होंगे उधर तक, ये सारी खेती ही है। पहाड़ों पे कुछ कुछ जगह खेती की जा सकती है, कुछ ऐसी खेती होती है पहाड़ों पे ये बाउंड्री बना बना के, क्योंकि एक साथ नहीं हो पाती। ये आप देख पा रहे होंगे ये फ्लोर आ रहे हैं, और ये नीचे ख़त्म है, उधर ये रिवर है, और ये आप पहाड़ देख पा रहे होंगे कितने प्यारे लग रहे हैं। वाओ, कितना मज़ा आ रहा है गाइस, क्या बताऊँ आपको, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ना आपको चढ़ा बढ़ा के बता रहा हूँ, आपके सामने ही दिखा रहा हूँ, आप खुद देखे कितनी प्यारी लोकेशन है। वाओ नाइस। भाई ने ये कहा है अभी हम थोड़ी और आगे जा रहे हैं, थोड़ा और इसको एक्सप्लोर करने, क्योंकि पहाड़ों का मज़ा जब ही है जब आप जो भी आप व्हीकल से आए हो उससे उतर के पहाड़ों को घूमना, पहाड़ों को एक्सप्लोर करना, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम जा रहे हैं नीचे, तो चलते हैं। बताना कि आपको ये जगह कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही हम प्रभावित होते हैं। माउंटेन साइड का व्लॉग बनाऊं, जो मेरे फ्रेंड से पर्सनली उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये बहुत हो गया, अब कुछ पहाड़ों पे जाके आप अलग चीज़ें दिखाओ तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को बहुत सपोर्ट करना, आगे तक ले जाइए, फाड़ के रख दीजिए। हम आ चुके हैं दूसरी साइड, वहाँ बहुत मज़ा आया, पीछे बहुत ही इंजॉय करा हमने आपके साथ, मैंने रियल एक्सपीरियंस शेयर करा अपना। ये ऊपर घर है, यहाँ जो भी लोग रहते होंगे ना बाबा, बहुत ही मज़े की लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही एक फ्रीली, बहुत ही एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बहुत ही मज़े से जीते होंगे। जितने पीछे आप घर देख सकते हैं, ये पहली बार मैं अपने ब्लॉग में इतना खुल के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि सच में आई रियली इन्जॉय अ लॉट एट दिस प्लेस, बहुत ही मज़ा आ रहा है। स्टेयर्स के ज़रिए मैं ऊपर जा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे ये स्टेयर्स हैं, यहाँ खेती कर रखी है लोगों ने, लोग बागों ने। आप देखिए वैसे ही जो मैं आपको उधर दिखाए थे वो पीछे आप देख पा रहे होंगे फ्लोर पे, ऐसे यहाँ कुछ यहाँ खेती कर रखी है, जैसे आप देख सकते हैं फोर ये लाइन वाइज खेती कर रखी है, तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और अच्छा भी लगता है। खास चीज़ दिखाता हूँ, देख पा रहे होंगे, पहले इस पानी को देखिए, ये बताइए कि आ कहाँ से रहा है। मुझे 100% यकीन होगा कि आप यही कह रहे होंगे कि यहाँ कोई समरसेबल या मोटर वोटर से पानी आ रहा होगा, मगर गलत। तो मैं आपको ये सीक्रेट खोलने वाला हूँ, ये पानी आप देख सकते हैं उधर पहाड़ से ऊपर से होता हुआ ये यहाँ बह के आ रहा है, और ये इसके अंदर को जाके ये इस पाइपलाइन के ज़रिए बाहर निकल पा रहा है। आप अगर देख पा रहे होंगे ये इस पाइपलाइन से बाहर निकल के रिवर में जाके मिल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी, मैंने आपको भी दिखाई, ये फर्स्ट टाइम मैंने देखी और आपके साथ भी शेयर करी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि ये चीज़ कैसी लगी, इसके लिए मेरी वीडियो पर एक लाइक कर देना। क्वेश्चन है या सुकून मिलने वाली जगह है, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर, जहाँ से हम आए थे नीचे, तो हम ऊपर ही जा रहे हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ी और आगे जाएंगे, वो हम अपने दूसरे व्लॉग में दिखाएंगे। बस अभी मैं बैठ चुका हूँ अपनी बाइक पे, अब हम इस रास्ते के ज़रिए जिससे हम नीचे आए थे उसी से ऊपर जा रहे हैं। आने में मैं आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि हम जल्दी में आ गए थे। फाइनली पूरा हो चुका है हमारा दुगड्डा टाउन का व्लॉग, आप सभी जानते हैं ये मेरा पहला माउंटेन साइड व्लॉग है। मैंने बहुत कोशिश करी और हमारे फैज़ भाई ने मिलकर इस व्लॉग को बहुत बेहतर बनाने की, जहाँ तक हमारे से हुआ वहाँ तक हमने कोशिश करी। सकते हैं ये दुगड्डा शहर पीछे रह गया और ये आगे
लैंगडोन जाने का रास्ता शुरू हो गया है। तो दुगड्डा शहर के साथ साथ इस व्लॉग को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरा चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।